नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान की किताब में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए अति महत्वपूर्ण 11 प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ कर लें, समझ लें, तो निसंदेह आपकी परीक्षा में सफलता की दर बढ़ जाती है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों, इस चैनल को, आप हमारे ज्ञान की किताब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें और अपने व्यूज, अपने विचार जरूर दें ताकि हम अपने वीडियोज में और सुधार कर पाए। और साथ ही साथ इस बेल यानी कि घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज से अलर्ट हो जाएं और परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकें। आइए हम शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण ज्ञान प्रश्न को। पहला ही प्रश्न ज्ञान की किताब का है दोस्तों, कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आप ध्यान देंगे, वयस्क मानव शरीर यानी कि एक कंप्लीट शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 214, 253, 206 या फिर अनिश्चित। दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, 206। और फीमर जो है सबसे लंबी, यानी कि जांघ की जो हड्डी है फीमर, वो सबसे लंबी होती है। और साथ ही साथ कान की जो हड्डी है स्टेपीज, वह सबसे छोटी हड्डी होती है। दूसरा प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1920, 1930, 1935 या फिर 1940। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ध्यान देंगे, अप्रैल भी है और 1 अप्रैल 1935 को हुई। और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई। और उस समय यह एक निजी क्षेत्रीय बैंक था जिसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए की थी। और इसका जो मुख्यालय है भारतीय रिजर्व बैंक का, वह मुंबई में है। तो एक प्रश्न के साथ साथ मैं आपके 2-3 अन्य तथ्यों की भी आपको जानकारी करा रहा हूं। और प्रश्न किसी भी रूप में घूम फिर कर आ सकता है। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की एक बड़ी दर्दनाक घटनाओं में से एक घटना है। ये जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ, मेरठ, अमृतसर, आगरा या फिर लाहौर। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर सतपाल और शैफुद्दीन किजलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह घटना अमृतसर में हुई। चौथा प्रश्न कि एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध किससे था, चालुक्यों से, पल्लवों से, चोल से, राष्ट्रकूट से। दोस्तों, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं भारत में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर है। और ये 7 गुफाएं, ध्यान रखेंगे, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं। इसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है और इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया। ध्यान देंगे, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, मुख्य 7 गुफाएं हैं और इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया। त्रिमूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति यहाँ की अत्यंत प्रसिद्ध मूर्ति है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न, लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि लोकपाल विधेयक की मांग लगातार जनता के द्वारा की जाती रही है। तो लोकपाल विधेयक सबसे पहली बार कब रखा गया, 1967, 1971, 1968 या फिर 1972। देखिए दोस्तों, संसद में पहला लोकपाल बिल शांति भूषण द्वारा 1968 में रखा गया। ध्यान देंगे आप, शांति भूषण द्वारा 1968 में रखा गया। और 1969 में, ध्यान देंगे, 1969 में लोकसभा, चौथी लोकसभा थी, द्वारा ये पारित किया गया। किंतु राज्यसभा द्वारा पारित होने से पहले ही उस समय लोकसभा भंग हो गई और बिल जो है अधर में लटक गया। तो लोकपाल बिल 1968 से लेकर अब तक 8 बार लोकसभा में रखा गया है। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको कौन नियुक्त करता है, लोकसभा नियुक्त करती है, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश। देखो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, साथ में 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो वह लागू होता है, है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सातवां प्रश्न कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया। दोस्तों, प्रश्न है कि बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, यानी कि कभी इसका विभाजन हुआ होगा। तो मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में, ध्यान देंगे किसने किया और किस लिए किया, कब किया, यह भी ध्यान दें। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था।
किंतु जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में 1911 में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में किया, तो इसी दरबार में 1911 में दिल्ली में जो दरबार लगा था उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की। ध्यान दें, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, यानी बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1911 में इसको लॉर्ड हार्डिंग ने जो है फिर से एकीकृत करने की घोषणा की, साथ ही साथ कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आठवां प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। नागपुर में है, मैसूर में है, देहरादून में है या फिर अर्नाकुलम में है? दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है 1906 में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE है ना, इसके तहत देहरादून में की गई, यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। नवा प्रश्न कि रुपये एक यानी एक रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के, जो गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक का, या फिर सचिव वित्त मंत्रालय के, या वित्त मंत्री के, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अक्सर हमारे नोटों पर, ज्यादातर नोटों पर गवर्नर, जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, उसके हस्ताक्षर होते हैं, किंतु एक रुपये के भारतीय नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के सचिव, ध्यान देंगे जो सचिव है वित्त मंत्रालय का, उसके हस्ताक्षर होते हैं। दो रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब एक रुपये के नोट का मुद्रण अब बंद कर दिया गया है दोस्तों, एक रुपये के नोट का मुद्रण अब बंद कर दिया है। अगला प्रश्न कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, किस वाद में सुनाई गई इनको फांसी की सजा? अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, या फिर लाहौर षड्यंत्र केस? दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजू को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में, किसमें? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, एक सभा उन्होंने जिसकी स्थापना की थी, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। बढ़ते हैं 11वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 11वां और अंतिम प्रश्न, बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? बाकू आखिर क्यों प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग है, हवाई जहाज उद्योग है, समुद्री जहाज उद्योग है, या फिर पेट्रोलियम? दोस्तों, बाकू अजरबैजान की राजधानी है, जो बाकू है यह अजरबैजान की राजधानी है, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। बाकू दोस्तों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की होंगी, और निसंदेह आप इन प्रश्नों को पढ़कर परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो पुनः मैं वही आग्रह आपसे दोहराऊंगा कि आप हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने व्यूज़ दें, अपने विचार विमर्श दें, और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आप परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।